हेलो एवरीवन, दोबारा आपका स्वागत है मेरे नए एपिसोड में। अमेरिका देकर बना ब्रेक, कनाडा देकर बना ब्रेक इस बार। तो भाई, इधर आने के लिए हमने मॉन्ट्रियल की टिकट बुक करी, मॉन्ट्रियल से गाड़ी ली और गाड़ी के लेके हम चल पड़े क्यूबेक सिटी में, जो कि तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव है मॉन्ट्रियल से। तो गणी भी कौन है, एकदम मस्त जगह है, मज़ा आ जाएगा कभी। इस बार के व्लॉग में मैंने थोड़ी कोशिश करी है नए कैमरा एंगल लेने की, तो देखो कैसी लगती है, बताना मेरे को अपने कमेंट्स में कोई इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं। अग्नि में धक्के मारे हूँ मैं। तो ये यहाँ का सबसे फेमस होटल है फेयरमॉन्ट, पर इस रात हम फर्स्ट नाइट हमारी होटल क्लेरडन में रुके, जो कि बिल्कुल सिटी के सेंटर में था और नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट स्टिल वेरी गुड। तो आपको इसका टूर देता हूँ मैं कि कैसा लगता है। लेज़ली देगी असल में, तो चल भाई लेज़ली दिखा दे सारा का सारा। तो इस रूम का किराया कम से कम $120 एक रात का है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सिटी के बीच में है, तो सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे था घूमने के लिए एंड वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड अगर इधर आते हो, पर मुझे कोई वो नहीं मिल रही भाई, इधर से एडवर्टाइजमेंट और पैसे मिलते हो, मैं तो नहीं बताऊँ अपना फ्रेंड बन के। तो भाई सामान रख के अपने आगे हम सिटी को एक्सप्लोर करने, और हमें मिल गया एक रेस्टोरेंट। इधर अपने लाइव म्यूज़िक चल रहा था। राइट, सुबह उठ के भाई मॉर्निंग ट्रेडिशन अपने कॉफ़ी प्लेस ढूंढा, और गजब का कॉफ़ी प्लेस था, बड़ा ही सुंदर और बढ़िया कॉफ़ी थी। अपने थोड़ा इधर रिलैक्स करा, थोड़ा हैंगओवर उतारा, इतनी भी नहीं पी पर ठीक था भाई। कॉफ़ी पी के थोड़ा सा घूमे फिरे और लंच के लिए रेस्टोरेंट मिल गया चलते फिरते। ये इटालियन रेस्टोरेंट था, काफ़ी टेस्टी खाना था इधर का, तो टोटली रिकमेंडेड। देखो आप कैसा लगता है आपको, अंदर से सुंदर भी है और खाना भी बहुत स्वाद। तो हमने ऑर्डर करा ब्रुशाटा, और ये है ब्रेड के ऊपर टमाटर, चीज़ और बाल्समिक विनेगर, और एक कर लिया हमने शेयर पास्ता। और अब घूमते घुमाते हो आगे एक दूसरे कॉफ़ी शॉप पे थोड़ी सी कैपेचिनो ट्राई करने, क्योंकि मौसम इतना सुंदर था तो गर्मा गर्म कैपेचिनो पीने का तो मज़ा ही कुछ और है भैया। चिन चिन लेज़ली, वाह स्वाद आ गया। तो भाई कॉफ़ी ली पी, ईव हम चल पड़े हैं शहर पे। तो भाई सर्दियों में मेक श्योर करना अपने जूते एकदम ऐसे लेके आना जो फिसले ना बिल्कुल भी, क्योंकि जब स्नो गिरती है वो मेल्ट हो जाती है, फिर उसके बाद जब दोबारा ठंडा होता है फिर वो बर्फ़ बन जाती है, तो बड़ा रिस्की था, हमें कई बार बिल्कुल बच के जाना पड़ रहा था। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तब हम अपने डिनर करने के लिए जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, चिक शैक में, उधर हम खाएँगे थोड़ा सा बर्गर और पियेंगे एक मिल्क शेक। काफ़ी रिकमेंडेड प्लेस है, अच्छी जगह है ये, तो मस्ट ट्राई व्हेनेवर यू गाइस विजिट। तो भाई अगले दिन हमारा होटल देख लो दिन में कितना सुंदर दिखता है चेक इन एरिया में, तो उस दिन रात थी तो दिखा नहीं पाया था, तो फिर हम इनके आप दिखा देते हैं। फिर हम निकल रहे हैं अपने सैर सपाटे पे भाई, स्नो हमेशा ही गिरती रहती है यहाँ पे, तो हम फेब्रवरी में आए थे यहाँ पे, और मतलब कि दिन में 2-3 बार गिरती है बर्फ़,
और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, स्पेशली जिस तरह की यहाँ पे बिल्डिंग है। तो मतलब कि इट वाज अ ड्रीम फॉर मी टू कम हियर वन टाइम। और चाहे आप सर्दियों में आओ चाहे आप गर्मियों में आओ, इसकी एक अलग ही वो है स्पेशलिटी। सर्दियों में अलग मज़ा है, गर्मियों में अलग मज़ा है। और हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह, और ये वाज वन ऑफ द रिकमेंडेड प्लेस फॉर अस। तो इधर भी ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, आपको दिखाता हूँ हमने क्या ऑर्डर करा। इस रेस्टोरेंट का नाम है लाबोश और मेन्यू इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो मैंने कहा इसकी भी एक वीडियो बना लेते हैं। और मैंने ऑर्डर करा क्रेप्स और लेज़ली ने ऑर्डर करा वाफल एंड चिकन, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मतलब कि स्वाद आ गया भाई, लट से गड़ गया हरियाणवी भाषा में जो अगर मैं बोला करूँ तो। क्यूबेक सिटी के अंदर ये जितना भी एरिया आप सुंदर सुंदर बिल्डिंग देख रहे हो, अपनी गाड़ी पार्क करो होटल पे और अपने पैदल एक्सप्लोर करो, क्योंकि सब कुछ पास में है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो दिस इज़ द कैसल होटल विच इज़ फेयरमोंट, इधर भी हम एक रात रुके और भाई क्या व्यू था रूम से भाई, नंबर वन, टोटली रिकमेंडेड। इधर आओ तो इधर ज़रूर रुकना फॉर वन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट स्टिल वर्थ इट। ये है अपनी सेंट लॉरेंस रिवर, तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी लेक्स को कनेक्ट करके और सीधा नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर मिला देती है, तो ये इसकी खूबी है। पर पूरी जमी हुई थी सर्दियों में, तो भाई बुरा हाल था। अब हम आ गए हैं अपने होटल में, फेयरमोंट शैटो, और शैटो का मतलब होता है फ्रेंच कैसल। और यहाँ पे मैंने लेज़ली को एक सरप्राइज़ भी दिया जो कि आपको भी दिखाऊंगा। देखो कितना सुंदर अंदर से आर्किटेक्चर, ओल्ड फीलिंग, और रूम इतना ज़्यादा सुंदर था कि बस देख ही लो खुद ही, है क्या नहीं भाई गजब का, मज़ेदार मज़ा आ गया था मेरा, तो भाई वापस जाने का मन कर गया। और इसका एक रात का किराया लगभग $400 कुछ पड़ा, पर देख लो अब $400 का है क्या नहीं व्यू वर्थ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और सुबह उठ के मैंने लेज़ली को कर दिया प्रपोज़, और भाई चट मंगनी और हो गया अपना एंगेजमेंट। अब सुबह उठ के हम आ गए हैं अपने टबोगन राइड करने, और ये होटल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री राइड थी, तो लेज़ली अपने फुली नहीं समाई, सुबह सुबह अपने हाथ दिखा के फ़ोटो खिंचवावे। तो ये राइड भी मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा, अगर आप होटल में भी नहीं रुकते तो। वैसे भी इतनी कोई महंगी राइड नहीं है, $20 की राइड है, पर एक चीज़ है भाई, अपना ये रथ ये ऊपर तक लेके आना पड़ता है अपने साथ में, तो एक ही बार कर पाते हैं, पर देखो कितने मज़ेदार है। लेज़ली का तो सारा मेकअप आ गया नीचे, अरे मैं तो मास्क लगा रहा था क्योंकि भाई इतनी ठंड लग गई थी नाक पे, दस पूछो मत। अब हम आ गए हैं आप एक इस परफेक्ट प्लेस पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए एंगेजमेंट की, तो देख लो आप कितना सुंदर व्यू है यहाँ से, फेयरमोंट दिखता है पूरा। तो भाई अब हम आ गए लंच करने इस रेस्टोरेंट में, क्यू दी सैक रेस्ट्रो पब, और इधर का खाना भी बहुत ही टेस्टी था। और हमने ऑर्डर करा वुड ओवन पिज़्ज़ा जो कि स्वाद था पूरा, और बियर तो तुमने बेरा ही फिर मैं। तो ये भाई आखिरी दिन है हमारा क्यूबेक में, और अब हम वापस जा रहे हैं मॉन्ट्रियल की तरफ, और रास्ते में रुकेंगे हम एक फॉरेस्ट आइस स्केटिंग एक्सपीरियंस के लिए जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ड्राइव लेनी है पूरे क्यूबेक सिटी के अंदर तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं चुप हो जाता हूँ और आप बस गाने के साथ ही एंजॉय करो। और हाँ, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।